सूबे में अपराध पर अंकुश लगाने के लिए योगी सरकार भले ही अपराधियों और माफियाओं और दबंगों के घरों पर बुलडोजर चलाकर बड़ी कार्रवाई को अंजाम दे रही हो, लेकिन सूबे में दबंगों के हौसले कम होने का नाम नहीं ले रहे हैं। दबंगों की दबंगई का कुछ ऐसा ही मामला गोंडा जिले से सामने आया, जहां पर दबंगों ने एक समूह ने सरकारी डॉक्टर पर प्राणघातक हमला करके गंभीर रूप से उसे घायल कर दिया। पांच तारीख को रात 9:30 बजे एमरजेंसी का राउंड खत्म करने के बाद जैसे मैं गेट के पास पहुंचा, 15 से 20 अज्ञात लोगों ने मुंह पे जो गमछा बांध रहे कपड़ा बांध के रखे पुनर्जीवित ढंग से अचानक से हमला कर दिया, जिससे मैं बेहोश हो गया। उसके बाद हमारे कर्मचारियों ने हमारा एमरजेंसी में लाके मेडिकल परीक्षण कराया। एमरजेंसी में कार्यरत चिकित्सक डॉक्टर अखिलेश त्रिपाठी के साथ जो मारपीट की घटना हुई है, एक व्यक्ति दिन भर काम करने के बाद जब अपने घर की तरफ जाता है तो उसको गेट पे कुछ लोग जिनके स्वार्थ की पूर्ति उस डॉक्टर से नहीं होती है उसको गिरा गिरा के गाड़ी से निकाल के मारते हैं, और जाके जो दोषी हैं वही पहले FIR भी करते हैं। दो नामजद और 18 से 20 लोग अज्ञात द्वारा मारपीट की गई। इस सूचना पर थाना कोतवाली नगर में सुसंगत धाराओं में अभियोग पंजीकृत किया गया था। आज दो अभियुक्तों को प्रकाश मिलाते हुए गिरफ्तार किया गया है।